भारत का संविधान अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 च इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी क सिक्किम राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी ख संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के प्रारंभ की तारीख से जिसे इस अनुच्छेद में इसके पश्चात नियत दिन कहा गया है एक सिक्किम की विधानसभा जो अप्रैल 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणाम स्वरूप उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित 32 सदस्यों से जिन्हें इसमें उसके पश्चात आसीन सदस्य कहा गया है मिलकर बनी है। इस संविधान के अधीन सम्यक रूप से गठित सिक्किम राज्य की विधानसभा समझी जाएगी। दो, आसीन सदस्य इस संविधान के अधीन सम्यक रूप से निर्वाचित सिक्किम राज्य की विधानसभा के सदस्य समझे जाएंगे। और तीन, सिक्किम राज्य की उक्त विधानसभा इस संविधान के अधीन राज्य की विधानसभा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी। ग, खंड ख के अधीन सिक्किम राज्य की विधानसभा समझी गई विधानसभा की दशा में अनुच्छेद 172 के खंड एक में 5 वर्ष की अवधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे 4 वर्ष की अवधि के प्रति निर्देश हैं और 4 वर्ष की उक्त अवधि नियत दिन से प्रारंभ हुई समझी जाएगी। हाँ, जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं करती है तब तक सिक्किम राज्य को लोकसभा में एक स्थान आवंटित किया जाएगा और सिक्किम राज्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसका नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा। अंग नियत दिन को विद्यमान लोकसभा में सिक्किम राज्य का प्रतिनिधि सिक्किम राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। चौ, संसद सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभवों के अधिकारों और हितों संसद सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों के अधिकारों और हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य की विधानसभा में उन स्थानों की संख्या के लिए जो ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे और ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जिनसे केवल ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थी ही सिक्किम राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए खड़े हो सकेंगे उपबंध कर सकेगी। छह, सिक्किम के राज्यपाल का शांति के लिए और सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए समयापूर्ण व्यवस्था करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस खंड के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व के निर्वाहन करने में सिक्किम का राज्यपाल ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति समय समय पर देना ठीक समझे अपने विवेक से कार्य करेगा। जब सभी संपत्ति और आस्तियों चाहे वे सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों के भीतर हो या बाहर जो नियत दिन से ठीक पहले सिक्किम सरकार में या सिक्किम सरकार के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति में निहित थी नियत दिन से सिक्किम राज्य की सरकार में निहित हो जाएंगी। ज, सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्य क्षेत्रों में नियत दिन से ठीक पहले उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत उच्च न्यायालय नियत दिन को और से सिक्किम राज्य का उच्च न्यायालय समझा जाएगा। यह सिक्किम राज्य के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सिविल दांडिक और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय तभी सभी न्यायिक कार्यपालक और अनुसचिवीय
प्राधिकारी और अधिकारी नियत दिन को और से अपने अपने कृत्यों को इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए करते रहेंगे। सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका संशोधन या निरसन नहीं कर दिया जाता है। ठ सिक्किम राज्य के प्रशासन के संबंध में किसी ऐसे विधि को जो खंड ट में निर्दिष्ट है लागू किए जाने के सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए और किसी ऐसे विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति नियत दिन से 2 वर्ष के भीतर आदेश द्वारा ऐसी विधि में निरसर के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और रूपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हो और तब प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या रूपांतरण को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। अंग उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को सिक्किम के संबंध में किसी ऐसी संधि करार वचनबद्ध बंध या वैसी ही अन्य लिखित से जो नियत दिन से पहले की गई गई थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें भारत सरकार या उसके पूर्ववर्ती कोई सरकार पक्षकार थी उत्पन्न किसी विवाद या अन्य विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी। किंतु इस खंड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अनुच्छेद 143 के उपबंधों का अल्पीकरण करती है। ढ राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी अधिनियमित का विस्तार जो इस अनुसूची अधिसूचना की तारीख को भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त है ऐसे निर्बंधों या उपांतरणों सहित जो वह ठीक समझता है सिक्किम राज्य पर कर सकेगा। यदि इस अनुच्छेद के पुरोगामी उपबंधों में से किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा कोई ऐसी बात जिसके अंतर्गत किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है कर सकेगा जो इस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती है। परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो सिक्किम राज्य या उसमें समाविष्ट राज्य क्षेत्रों में या उनके संबंध में नियत दिन के प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से जिसको संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई सभी बातें और कार्यवाही जहां तक वे संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा यथा संशोधित इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप है सभी परियोजनाओं के लिए इस प्रकार यथा संशोधित इस संविधान के अधीन विधि मान्यता की गई समझी जाएगी। अनुच्छेद 371 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी का निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है अर्थात एक मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं 2 मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया 3 सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं 4 भूमि में स्वामित्व और अंतरण परंतु इस खंड की कोई बात संविधान 53वां संशोधन अधिनियम 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी। ख मिजोरम राज्य की विधानसभा कम से कम 40 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 ज इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी
का अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल का राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा और राज्यपाल इस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के पश्चात करेगा। परंतु यदि वह प्रश्न उठाता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं, परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे, तो वह आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में वे निर्दिष्ट की जाए। ख, अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 371 झ, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध उन अनुच्छेद 371 झ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी गोवा राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 371 या कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 या एक अनुच्छेद 371 या एक राष्ट्रपति कर्नाटक राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा क, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना के लिए इस उपबंध सहित की इस बोर्ड के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। ख, समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यपूर्ण आवंटन के लिए और ग, समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र के से संबंधित लोगों के लिए लोक नियोजन शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण के विषयों में साम्यपूर्ण अवसर की सुविधाओं के लिए राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा। दो खंड एक के उपखंड ग के अधीन किए गए आदेश द्वारा क, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं स्थानों का अनुपातिक आरक्षण के लिए उपबंध किया जा सकेगा। और ख, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन में पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं ऐसे पदों और अनुपातिक आरक्षण के लिए और उन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसे किसी अन्य रीति से में जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए नियुक्ति के लिए उपबंध किया जा सकेगा।